आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज एनडीए प्रत्याशी लोच मरांडी के नामांकन के दूसरे दिन दुमका के एक होटल में प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता हेमंत सरकार के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। 9 महीने के कार्यकाल में ही राज्य की जनता परिवर्तन चाहने लगी है। उपचुनाव में जनता बदलाव का ट्रेलर दिखा देगी। यह उपचुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार एवं अत्याचार की लड़ाई है। हेमंत है तो हिम्मत है का नारा, हेमंत है तो अपराधियों एवं बिचौलियों में हिम्मत है। मैं परिवर्तित हो चुका है। मुख्यमंत्री के विधानसभा बरहेट में लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। हेमंत सरकार में बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है। संथाल परगना सहित पूरा प्रदेश भयाक्रांत है। बरगेट थाना में दलित युवती के साथ गाली गलौच मारपीट करने वाले थानेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया। सस्पेंड करने के बजाय थाना प्रभारी को मुसाबनी में पदस्थापित कर दिया। बरगेट के पतना में नाबालिग आदिवासी लड़की को बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस विभाग के द्वारा इस घटना की लीपापोती में जुट गई है। वहां के थानेदार को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। वीर शहीद सिद्धू कानू के वंशज की निर्मम हत्या कर फेंक दिया जाता है। हेमंत सरकार के इशारे पर केस की लीपापोती होती है। जब भाजपा का प्रतिनिधिमंडल शहीद परिवार से मिलकर हत्या की सीबीआई से मांग की, तब सरकार ने आनन फानन में भाजपा के दबाव में आकर सीबीआई के लिए अनुशंसा की। बोरियों में अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े व्यवसायी एवं एसआई की हत्या कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है, यह सब बकवास है। आगे उन्होंने कहा कि अनाज गोदाम में सड़ रहे और राज्य में भूख से मौत हो रही। जिन लोगों ने इसको रफा दफा करने की कोशिश की, उसमें तो जो महिला ने, जो पीड़िता के मां ने जो बयान दी, उससे बिल्कुल स्पष्ट है थानेदार उसमें सम्मिलित है। इसलिए पहले वैसी जो पदाधिकारी है उनको तो वहां से हटाना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके केस होना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए और इसके बाद जांच होनी चाहिए। बाबू जी, सोरेन परिवार का 6ठा सदस्य है बसंत जो चुनाव मैदान में, भाजपा इसको क्योंकि मैंने तो कल भी कहा है कि भाई संथाल प्रकरण में 7 रिजर्व सीट है और सोरेन परिवार संथाल परगना छोड़ करके बाहर से लोग चुनाव जीत नहीं सकता है। पिछले दिनों इसका भी बिल्कुल, जब शिवू सोरेन मुख्यमंत्री रहते तमाड़ से चुनाव लड़े थे तो एक मामूली कार्यकर्ता से वो चुनाव पूरी तरह से हार गए और अभी